नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN24 और मैं हूँ आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। जी हाँ, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऐलान किया है कि मुफ्त में राशन योजना को 5 साल और बढ़ाया जाएगा। मोदी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। दरअसल मोदी का कहना है कि कांग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाय कभी कुछ नहीं दिया। कांग्रेस गरीब की कभी कद्र नहीं करती, उसे गरीब का दुख दर्द कभी समझ नहीं आता। इसलिए जब तक कांग्रेस केंद्र सरकार में रही, वो गरीबों के हक का पैसा लूट कर खाती रही, अपनी नेताओं की तिजोरी में भरती रही। 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। हमने अपने गरीब भाई बहनों में ये विश्वास पैदा किया कि उनकी गरीबी दूर हो सकती है। मोदी ने कहा, हमारे सेवा काल में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जो गरीबी से बाहर निकले हैं, वो आज मोदी को कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने ऐसी नीतियां बनाई है कि हर गरीब अपनी गरीबी का खात्मा करने के लिए सबसे बड़ा सिपाही बनकर मोदी का साथी बन गया है। भाजपा सरकार ने बहुत धैर्य और ईमानदारी से काम किया। मोदी के लिए देश की सबसे बड़ी जाति एक ही है, गरीब। जो गरीब है, मोदी उसका सेवक है, उसका भाई है, उसका बेटा है। पीएम ने आगे कहा, यहाँ के अनेक साथी काम के लिए बाहर जाते हैं, उसके लिए भाजपा सरकार ने ऐसा इंतजाम किया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं तो भी आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा। इसलिए ही मोदी ने आपको वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है। दिसंबर 2022 में इस योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। इस योजना से केंद्र सरकार को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। राशन के लिए गरीबों को 1 रुपए भी नहीं देना होता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GVN24।